ज्ञान, धर्म और मनुष्य जाति का रक्षा करने का दायित्व विष्णु जी के हाथ में होता है। तो प्रश्न ये है, भगवान विष्णु को भारत के अलावा कौन कौन से देशों में पूजा जाता है और विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर हम विष्णु जी के वाहन यानी कि गरुड़ देव के बारे में सही से जान लेंगे तो भगवान विष्णु के कार्य करने के तरीके को भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़ देव है यानी कि ईगल। जिस प्रकार एक ईगल कितना भी ऊपर रहे लेकिन वो अपना शिकार चाहे पानी में हो या फिर धरती पर एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ विद सिंगल अटेम्प्ट में शिकार कर लेता है। कुछ ऐसे ही विष्णु जी भी करते हैं, वैकुंठ लोक से इस भूलोक पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं और जब उनका परफेक्ट टाइम आता है तब एक सिंगल अटेम्प्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो भगवान विष्णु को भारत के अलावा कौन कौन से देशों में पूजा जाता है। भगवान विष्णु जी के चार हाथ हैं जिसमें शंख, सुदर्शन चक्र और गदा धारण किए हुए होते हैं। सेम इसी आकार के स्वरूप को ग्रीक, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बेबीलोनिया एंड सुमेरियंस में भी पूजा जाता है, लेकिन केवल विष्णु जी का नाम हर एक देश में अलग अलग है। इन इमेजेस को देखने पर आप सबको समझ में आ जाएगा। तो फिर विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा। दोस्तों, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और हम सब अभी कलयुग में जी रहे हैं। और एक महायुग का साइकिल कंप्लीट होने से पहले प्रलय आता है जिसके बाद इस पृथ्वी पर 90% जीवों का विनाश हो जाता है और इसी विनाश के बाद बचे उन 10% जीवों से नए युग का प्रारंभ होता है यानी कि सतयुग। और ये साइकिल जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन कलयुग का एंडिंग टाइम और सतयुग का स्टार्टिंग टाइम के बीच का जो टाइम है उस टाइम को युग संधि यानी कि युग परिवर्तन का समय बताया गया है। इस युग परिवर्तन के समय ही भगवान विष्णु जी मत्स्य अवतार धारण किए थे। ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन हम सब के लिए एक महायुग जितना होता है। ग्रंथों के मुताबिक उस समय ब्रह्मदेव के असावधानी के कारण हयग्रीव नामक राक्षस वेदों को चुरा कर समुद्र में जाकर छिप जाता है। हयग्रीव समुद्र में इसलिए छिपा था क्योंकि समुद्र की गहराई में केवल अंधकार होती है और वहाँ से वो किसी को दिखाई नहीं देता। और उसी समय सत्यव्रत नामक महान राजा जब सूर्यदेव को जल अर्पण करने के लिए अपने हाथों में जल लिया तब उनके हाथ में जल के साथ एक छोटी मछली भी आ गई। और जब सत्यव्रत जल को अर्पित करने लगे तब मछली ने कहा, हे राजन, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीव को मारकर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा, कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस पर कई लोग सोच रहे होंगे कि मछली कैसे बोल सकती है, तो इसके लिए आज के जमाने में डॉल्फिन्स और कई सारे जीव एग्जाम्पल के लिए मौजूद हैं जो हमारी बातें और इशारों को अच्छे से समझते हैं। तो राजा सत्यव्रत ने अपने कमंडल में मछली को रखकर घर ले आए, लेकिन अगले ही दिन वो मछली काफी बड़ी हो गई थी जिसके कारण राजा सत्यव्रत ने उसे घड़े में डाल दिया और फिर अगले दिन वो घड़ा का साइज भी छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने अपने घर में मौजूद कुएं में मछली को डाल दिया, लेकिन फिर अगले दिन वो कुआं भी छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने अपनी शक्तियों से उस मछली को समुद्र में पहुंचा दिया और तभी सत्यव्रत को ज्ञात हुआ कि ये मछली अवश्य किसी का अवतार है। सत्यव्रत के विनती करने पर भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का दर्शन देकर आने वाले प्रलय की बात बताई। साइंस की दृष्टि से विष्णु जी का मत्स्य अवतार ही पहला मरमेड है। इसके बाद मत्स्य अवतार रूपी धारण विष्णु जी हयग्रीव राक्षस का संहार कर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचा दिया और इसी मत्स्य अवतार से राजा सत्यव्रत सहित कई ऋषियों को नाव के सहारे माल्य पर्वत पर पहुंचा दिया। माल्य पर्वत यानी के हिमालय पर्वत। राजा सत्यव्रत को मनु के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए कुल्लू मनाली में मनु के नाम से एक मंदिर भी मौजूद है। आप कभी हिमाचल प्रदेश को जाना तो इस जगह को जरूर देखना। और हमारे ग्रंथों के मुताबिक मनु के कारण ही इस मनुष्य जाति का शुरुआत हुआ है। मनु से ही हम सब आए हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार विष्णु जी ने सत्यव्रत की प्राणों की रक्षा की थी, इसी तरह अगर हम सत्य और धर्म का पालन करेंगे तो भगवान कहें या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर हमारी रक्षा अवश्य करेगा। तो दोस्तों, ये तो था भगवान विष्णु जी का मत्स्य अवतार। अगला एपिसोड मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसमें बताऊंगा कि समुद्र मंथन किस डायमेंशन में हुआ था। ये तो 100% श्योर है कि समुद्र मंथन इस भूलोक पर नहीं हुआ था। मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज रामानंद साइनिंग ऑफ। बाय।